खबरों की ओर। अहोर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत भादरा झूल मंडल अध्यक्ष स्वरूप सिंह, राजपुरोहित महामंत्री दिनेश सिंह राठौर सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीएसएस अधिकारियों को कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा, साथ ही साथ कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया। जिला कलेक्टर के शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण संभा भाग में पेयजल, बिजली, मौसमी बीमारियों, कोविड-19 तथा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। साथ ही जिला कलेक्टर ने पेयजल सैंपलिंग, पेयजल टेस्टिंग, अमृत योजना, हैंडपंप मरम्मत, विद्युत सप्लाई, ट्रांसफॉर्मर बदलने, पशुओं की बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण, भेड़ निष्क्रमण, जिले के बांधों के भराव की स्थिति आदि के बारे में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। प्रतापपुर विकास खंड अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना राउत सरकार तुअर द्वार की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत सत्तारूढ़ कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रत्येक गांव में जाकर वहां की जनता से उनकी समस्याओं तथा मांगों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी, साथ ही साथ उसे पूरा करने का प्रयास भी किया जाएगा। साथ ही श्याम नगर हाई स्कूल में अहाता निर्माण एवं समलितीकरण की भूमि पूजन भी किया गया। आज एक हम लोग की नई थीम है, नई सोच है, कोरोना को देखते हुए गांव वालों को अभी बहुत समस्याएं हो रही हैं मुख्यालय तक पहुंचने में, अपनी समस्याएं बताने में। इसलिए राउर सरकार नाम से एक आवेदन पत्र हम लोगों ने बनवाया है, इसे हर गांव तक पहुंचाएंगे और गांव वाले अपना वहीं से बैठकर अपनी समस्याओं को हम तक भेजेंगे, अपनी मांगों को भेजेंगे। इसके लिए हमारे पूरे पोलिंग वाले जो सदस्य हैं वो सेक्टर जोन सभी मदद करेंगे, पूरा टीम इसमें लगाया जाए। फ़ायदा इस समय बसें नहीं चल रही हैं, आवागमन के साधन नहीं हैं, तो लोगों को आने जाने बहुत दिक्कत हो रहा है। कोरोना से भी बचाव होगा क्योंकि घर बैठे उनकी समस्या हम तक पहुंच जाएगी, साधन तक पहुंच जाएगी। भूमि पूजन माननीय शिक्षा मंत्री हमारे प्रेम साय जी के द्वारा दिया गया है, 5 लाख का बाउंड्री वॉल और 3 लाख का समतलीकरण। अभी तक माननीय मंत्री जी द्वारा प्रतापपुर ब्लॉक में सिर्फ लगभग 10 करोड़ का बाउंड्री वॉल और समतलीकरण के लिए राशि दिया गया है। के चलते जीरो ईयर के खतरे को देखते हुए सरकार के साथ आईआईटी और इंजीनियरिंग संस्थान चाहते हैं कि ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट जेईई और नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट की परीक्षाएं जल्द से जल्द की जाए। वहीं दूसरी ओर इसके लिए सरकार की तरफ से तारीख भी तय कर ली गई है, लेकिन ऐसे में महामारी के संकट को देखते हुए सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के छात्र द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन सरगुजा द्वारा छात्रों को परीक्षा सेंटर पहुंचने में वापस घर तक लाने हेतु निशुल्क बस की व्यवस्था भी की गई है। जिला प्रशासन द्वारा रजिस्ट्रेशन हेतु एक नंबर जारी किया गया है जो सभी मीडिया एवं न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है, और अभी तक लगभग 150 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आज कितने छात्र जाएंगे? आज जो गाड़ी है वो अंबिकापुर के पुराना बस स्टैंड से निकल रही है और इसमें कुल 6 विद्यार्थी हैं, जिसमें 5 छात्र और एक छात्रा है, और उस छात्रा के साथ उसकी गार्जियन भी है, और ये बिलासपुर पहले और फिर उसके बाद रायपुर जाएगी। और वापसी में बस के साथ हमारे एक अधीक्षक भी जा रहे हैं जो उन्हें सभी विद्यार्थियों को सकुशल ले जाने और ले आने तक उनके साथ रहेंगे और लेकर के आएंगे साथ में। छात्राओं के साथ जो है एक परिजन को अलाउ किया गया है जी। जो हमारी बस है उसको पहले तो सैनिटाइज कराया गया था और उसके बाद अभी सभी पेरेंट्स को एवं स्टूडेंट्स को जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए सभी नियमों के साथ मास्क और सैनिटाइज़र भी वितरित किया गया है और उन सभी नियमों का पालन करते हुए ले जाया जा रहा है। अपना नाम बता दीजिएगा। जयप्रकाश मिश्रा। कहाँ सेंटर है आपका? जेई मेन सेंटर है सरोना रायपुर। बस उपलब्ध कराया गया है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइजर वगैरह का किया गया है उपलब्धता। इसी के लिए किस प्रकार है आप? वापसी के लिए भी इसी से शायद आएंगे। हमको तो ठीक ही लग रहा है, ठीक ही। सूरजपुर में कोरोना सैंपल जांच से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आए युवक ने आरोप लगाया कि उसने कोरोना जांच से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, ना ही सैंपल दिया है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से युवक का नाम संक्रमित मरीजों की लिस्ट में डाल दिया गया है। वही इस मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नहीं, जब हम लोग जांच करते हैं उसके पहले SRF जनरेट होता है,
तो राजकुमार यादव जी का SRF जनरेट हुआ था और साथ में उसी नाम के आधार पे हम लोग मरीजों को बुलाते हैं और फिर सैंपल लेते हैं। तो उसमें वो झूठ बोल रहा होगा, इस प्रकार का नहीं होता है कि किसी का नाम हो और किसी दूसरे व्यक्ति का सैंपल लिया जाए। नहीं, वो कहना बिल्कुल निराधार है, क्योंकि SRF में उसका नाम है तो वहाँ पे वो आया होगा और पूरे लोगों का जांच किया गया होगा तभी उसका पॉजिटिव। उसमें जो है उस टाइप का है, वो विरोध कर रहा था, इसके चलते उसको अभी वो किए हैं, दोबारा जांच उसकी कर रहे हैं और फिर उसको शिफ्ट करेंगे। सैंपलिंग के दौरान मेरा कोई भी सैंपल जांच के लिए नहीं लिया गया था और ना ही मैंने कोई जाँच कराया है। उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव लिस्ट में मेरा नाम आ गया है। शासन की ये लापरवाही है जो आज उजागर हुई है। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, पता नहीं और कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो। बिलासपुर रायपुर रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिलासपुर की ओर से भूसा लेकर जाती छोटा हाथी गाड़ी में आग लग गई। ये मामला है महाराणा प्रताप चौक का, जहां ओवर ब्रिज पर भूसा भरकर तिफरा ले जा रहे मालवाहक गाड़ी की बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक बीच रास्ते में आग लग गई और देखते देखते गाड़ी धू धू कर चलने लगी, जिसके बाद मिनटों में दमकल गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि गाड़ी में भरे भूसे में आग नहीं लग पाई, वरना देखते देखते एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सली होने की खबर पर DRG के जवान सर्चिंग के लिए निकले, उसी दौरान नक्सलियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए DRG के जवानों ने भी फायरिंग शुरू की है, जिसके बाद नक्सली भाग खड़े हुए। कल रात में हम लोगों को कुमा कोलिंग से बाड़नपाल वाले जंगलों के बीच में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल DRG की टीम को इलाके की सर्चिंग करने के लिए भेजा गया और रात में लगभग 12:30 के आसपास में नक्सली पार्टियों के साथ में हमारी पार्टी की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के पश्चात नक्सली इलाके को छोड़कर भाग गए। सर्चिंग करने पर हमको जगह से कुछ सामान मिला है, जिसमें रेडियो सेट है और अन्य जो दैनिक यूज़ की सामग्री रहती है वो मिला है। इलाके की सर्चिंग की गई उस समय, क्योंकि ज़्यादा अंधेरा था, रात्रि का समय था, तो विस्तृत सर्चिंग नहीं कर पाए। सुबह फिर सर्चिंग की और आसपास गाँव से पता चला है कि 2 से 3 नक्सलियों को गोली लगी है और इसके अलावा भी हो सकता है ज्यादा नुकसान की भी संभावना हो सकती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए VMR भारत TV। नमस्कार।